हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी बहस में। मैं हूं नंदिनी किंड्रा आपके साथ। गृहिणियों की किचन पर महंगाई की मार पड़ रही है, जिससे खाने का जायका जरूर बिगड़ गया है। आइए आपको दिखाते हैं सरकार के अच्छे दिनों का सच। प्याज के अर्क से अभी तक काटने वाले के आंसू निकलते थे, लेकिन इन दिनों प्याज महंगाई के आंसू निकाल रहा है। दाल और सब्जियों में प्याज का तड़का लगाना गृहिणियां भूल गई हैं। उनका बजट गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि उनकी किचन पर महंगाई नाम की डायन मंडरा रही है। प्याज के पहले 10 रुपए था, आज 20 हो गया, 20 से आज 45 हो गया है। इतना रेट बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, आधे प्याज से काम चलाना पड़ेगा। एक तो खा नहीं सकते हैं, गरीब आदमी है, रेडी की लगाते हैं, 200-300 कमाते हैं। इतनी महंगी सब्जी हो गई, आलू पहले थे 10 रुपए किलो, आज 20 रुपए किलो हो गए। प्याज महंगा हुआ, बरसात के सीजन में हर साल हो जाए, बरसात का प्याज खराब हो गया। अब नया प्याज आने में 10-15 दिन देरी है, इस करके तेज हुआ। मैं खुद सब्जी विक्रेता हूँ और कोई दिक्कत नहीं हुई, आ जाएगा हिसाब से। पीछे महाराष्ट्र में जो बाढ़ आई उसमें प्याज बहुत ज्यादा खराब हो गया। पहले 20 रुपए किलो था, अब 40 रुपए किलो थोक का रेट हो गया। जो प्याज पिछले हफ्ते तक 10 से 20 रुपए में बिक रहा था, वो प्याज अब 80 रुपए प्रति किलो हो गया है। आढ़तियों की माने तो आगामी दिनों में कीमत और बढ़ेगी, जिसने लोगों की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। प्याज मंडी में 60 रुपए के जी, 260 रुपए दरी। क्योंकि प्याज हर घर की जरूरत है, इसलिए इसके महंगा होने पर आम आदमी को बहुत फर्क पड़ता है। प्याज की कीमतों में भारी उछाल को देखते हुए लोग स्टॉक में प्याज खरीद रहे हैं, क्योंकि कब ये रेट और ज्यादा बढ़ जाए कुछ पता नहीं। गरीब आदमी के हाथ से भी चलेगा, प्याज और रोटी खाते थे पहले, वो भी नहीं लगती। महंगाई में गरीब आदमी की तो रोटी है छिनगी, अगर ये सब्जी कैसे बनेगी अगर प्याज इतना महंगा हो गया तो। जानकारों का कहना है कि आम तौर पर सितंबर और अक्टूबर महीने में प्याज का भाव 20 रुपए से 25 रुपए प्रति किलो के आसपास रहता है। प्याज के दाम 4 साल में पहली बार इस तरह की ऊंचाई को छू रहे हैं। हमारे यहाँ इस महंगाई की वजह सबसे बड़ी ये है, माल खेतों में कम है गर्मी के कारण, और ऊपर से जो चीज अब से 10 दिन पहले प्याज 20 रुपए मिल रही थी, वो आज 60-70 रुपए चल रही है। और घिया 10 रुपए की बिकता था, आज 40 रुपए बिक रहा है। ये भिंडी है 5-10 रुपए बिकने वाली चीज, 40-40 रुपए बिक रही है। टमाटर है, वो यहाँ का है नहीं, बाहर का टमाटर है, वो महंगा आ रहा है। प्याज महंगा हुआ, बरसात के सीजन में हर साल हो जाए, बरसात का प्याज खराब हो गया। अब नया प्याज आने में 10-15 दिन देरी है, इस करके तेज हुआ। मैं खुद सब्जी विक्रेता हूँ और कोई दिक्कत नहीं हुई, आ जाएगा हिसाब से। पीछे महाराष्ट्र में जो बाढ़ आई उसमें प्याज बहुत ज्यादा खराब हो गया। कुछ दिन पहले हम मंडी में आए थे तो प्याज 15 रुपए किलो थे, और आज हम कुछ दिनों के बाद आए हैं तो 60 रुपए किलो प्याज हो गया है। इस प्रकार तो हमारा रसोई का बजट बिगड़ जाएगा, सरकार को कुछ स्टेप उठाना चाहिए। 60 रुपए किलो लिए तो क्या मानते हैं इतनी महंगाई को, ज्यादा रेट बढ़ गया, कैसे क्या है? ऐसा लग रहा है कि साल 1998 से 99 में प्याज की कीमतों में हुई उछाल की याद ताज़ा हो गई हो। उस दौरान प्याज 100 से 125 रुपए किलो पहुंच गया था। ये स्थिति काफी दिनों तक बनी रही। कहते हैं कि 1998 में प्याज ने दिल्ली की सरकार को गिरा दिया था, और इस वक्त तो चुनाव हरियाणा में होने वाले हैं, तो सरकार जरा ध्यान रखिएगा, कहीं प्याज आपके भी आंसुओं का कारण न बन जाए। जैसे जैसे हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सरकार ने कहीं ना कहीं जनता के साथ एक महंगाई को लेकर अच्छा खिलवाड़ किया। पहले मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लगा दिया, अभी उससे लोग बाहर भी निकलने लगे थे, और अभी प्याज के जो एक आम नागरिक को जो दाम झेलने पड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि प्याज करीब करीब 60 रुपए केजी हो गया, और हर काउंटर प्याज का खाली पड़ा हुआ है। ये एक लोगों के साथ सरकार का एक खिलवाड़ भी मान सकते हैं,
और जो ये महंगाई बढ़ रही है ये कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी दिक्कत कर सकती है, क्योंकि एक आम नागरिक का घर चलता है प्याज से, हर कोई चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है चाहे झुग्गी झोपड़ी है, सभी को प्याज की जरूरत होती है, और इस हालात में प्याज का 60 रुपये के जी होना एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, जैसे कि पब्लिक को झेलना पड़ रहा है। हरियाणा न्यूज सोनीपत से उमेश की रिपोर्ट। तो अभी पिछले हफ्ते तक जो प्याज 15 से 20 रुपए प्रति किलो की कीमत पर बिक रही थी वो अब 80 रुपए तक पहुंच गई है, और अभी भी इस रेट में कोई राहत नहीं मिलेगी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सब्जियों के रेट में और ज्यादा उछाल आएगा, और प्याज की कीमत अभी 80 रुपए पहुंची है, आगे ये दाम और भी ज्यादा बढ़ सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। ऐसे में गृहिणियों की किचन का जो बजट है वो जरूर खराब हो गया है, क्योंकि न सिर्फ प्याज बल्कि और अन्य सब्जियां भी महंगी हो चली हैं, जिसकी वजह से गृहिणियां परेशान हैं, और कहीं ना कहीं उनकी सब्जियों में जो तड़के का जायका है वो जरूर बिगड़ गया है, क्योंकि महंगाई की मार जब किचन में इस तरीके से पड़ती है तो सबसे ज्यादा प्रभावित गृहिणियां होती हैं, और ऐसे में सभी गृहिणियों की मांग है कि सरकार महंगाई की ओर ध्यान दे, सब्जियों के दाम अगर इस तरीके से उछाल पर जाएंगे आसमान छुएंगे तो फिर इंसान खाएगा क्या। गरीबों को और मध्यम वर्गीय परिवारों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है जब इस तरीके से सब्जियों के रेट्स में उछाल आते हैं, और अभी फिलहाल प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं, कई मंडियों में कई जगहों पर 80-80 रुपए किलो प्याज मिल रहा है। इसके अलावा घिया भिंडी समेत तमाम सब्जियों के दाम भी एकदम से उनमें बहुत ज्यादा उछाल आया है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। चुनाव का वक्त है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सरकार का ध्यान चुनाव की ओर ज्यादा है, लेकिन जनता पर जो महंगाई की मार पड़ रही है उस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, और मंडियों में जो हालात हैं लोग प्याज अब खरीद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर जो प्याज 20 रुपए किलो मिल रही थी हफ्ते भर पहले वो अब 80 रुपए किलो मिल रही है, तो ऐसे में गरीब आदमी आखिर इन सब्जियों को कैसे खरीदेगा, ये अपने आप में सोचने का विषय है। आपको बता दें 1998 से 99 की याद आ जाती है जब प्याज के रेट्स में इस तरीके का उछाल होता है, उस दौरान प्याज की कीमत 100 से 125 रुपए प्रति किलो पहुंच गई थी, और माना गया था कि दिल्ली की सरकार तक प्याज के इन दामों की वजह से गिर गई थी। तो ऐसे में हरियाणा में भी अब विधानसभा चुनाव है, तो सरकार जरा ध्यान रखिएगा कहीं प्याज आपके भी आंसुओं का कारण ना बन जाए, क्योंकि अभी महंगाई की मार जो इन सब्जियों पर पड़ रही है वो आम आदमी के लिए जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा परेशानियां लेकर आई है। ऐसे में जरूरी है कि कोई ना कोई राहत जरूर इनको देना चाहिए, और प्याज की कीमतों में सब्जियों की कीमतों में ये जो उछाल आया है इसके कई कारण माने जा रहे हैं, और इसके अलावा जो सबसे अहम प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी का माना जा रहा है महाराष्ट्र में बाढ़ के चलते, महाराष्ट्र से बहुत ज्यादा तादाद में प्याज जो खराब हुई है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाई, इस वजह से अब नॉर्थ इंडिया के कई क्षेत्रों में प्याज जो है बहुत ज्यादा महंगी मिल रही है। हमारे साथ कुरुक्षेत्र से संवाददाता भरत सावरी जुड़ गए हैं। भरत, अगर बात करें कुरुक्षेत्र की तो यहाँ पर प्याज का क्या भाव है, और इसके अलावा लोगों से किस तरह के रिएक्शंस आप यहाँ पर ले पाए हैं, क्या रिएक्शन दे रहे हैं लोग? भरत, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। तो पूरे हरियाणा में जो प्याज की कीमत है, सब्जियों की कीमत है, मंडियों में बहुत महंगे दाम मिल रहे हैं, और इसके अलावा अगर बात करें प्याज की कीमत की तो गुरुग्राम समेत कई क्षेत्रों में 80 रुपए तक रेट पहुंच चुका है, टमाटर महंगे हो गए हैं, घिया का रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और अब से कुछ ही दिन पहले ये सब्जियां इनके दाम बेहद कम थे, लेकिन एकदम से ये जो उछाल आया है ये कहीं ना कहीं गरीब वर्ग के लिए, मिडिल क्लास मध्यम वर्ग के लिए स्वीकार कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एकदम से उनका बजट गड़बड़ा जाता है। प्याज एक ऐसी सब्जी है जिसका तड़का अमूमन हर दिन हर सब्जी दाल में लगता है, और ऐसे में अगर ये मूलभूत सब्जियां जो हर दिन किचन में इस्तेमाल होती हैं इनके रेट्स में इतना भारी उछाल जो आया है
वो गृहणियों को, मिडिल क्लास फैमिलीज को बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। हमारे साथ कुरुक्षेत्र से भरत जुड़ गए हैं। भरत, क्या रेट प्याज का और तमाम सब्जियों का कुरुक्षेत्र में चल रहा है और लोगों का रिएक्शन क्या आ रहा है इस महंगाई को लेकर? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, प्याज के जो रेट हैं वो जब महाराष्ट्र में बाढ़ आई और मुख्यतः हरियाणा या दिल्ली और पंजाब के आसपास के क्षेत्र है उनमें नासिक से प्याज आता है और नासिक में अभी पानी है और पानी के चलते प्याज जो है वहाँ ट्रैफिक हो रहा है, जिसके चलते मुझे 80 से 90 रुपए तक प्याज पहुँच गया है और हालात यही रहे तो थोड़े दिनों में ये जो है 100 को भी पार कर जाएगा। और अगर दूसरी सब्जियों की बात करें तो देखिए 25 से 30 रुपए हर सब्जी में बढ़े हैं, जो खुदरा भाव की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और देखिए, एक कारण प्याज महंगे होने का कारण तो यह है कि महाराष्ट्र में पानी आया है वो है, पर हरियाणा के अंदर की सब्जियों के रेट बढ़े हैं। जो लोकल सब्जियाँ हैं अगर उनकी बात करें तो जो पिछले दिनों के साथ इतनी मात्रा में नहीं हुई जितनी मात्रा में था या सब्जियों के लिए या खेती की जरूरत थी, तो उसके चलते भी जो है सब्जियों की पैदावार कम हुई है और पैदावार कम होने के बाद जो है सब्जियों के रेट जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर भरत बात की जाए तो आने वाले दिनों में भी अभी फिलहाल राहत भरी कोई खबर की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अभी भी आने वाले दिनों में हो सकता है कि रेट्स में और ज्यादा बढ़ोतरी हो। अभी का सीजन सब्जियों का रहा है वो बरसात की भेंट चढ़ गया है, तो जब तक नए सीजन में सब्जी है वो मार्केट में नहीं आएगी तब तक हालात यही रहेंगे और यह नहीं रहेंगे बल्कि हालात बदतर भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी कोई ऐसा समय नहीं है जिस सब्जियों को दोबारा लगाकर मार्केट में डाला जा सके। तो जो है दूसरी जो सब्जियाँ हैं, प्याज है, आलू है, भिंडी, टमाटर और ये जो दूसरी सब्जियाँ हैं, ये सब्जियाँ उतनी ही मात्रा में मार्केट में मौजूद हैं जितने किसानों को ने लगाई या जितनी बरसात करने के बाद बची है। तो निश्चित रूप से ये जो हालात हैं ये और बढ़ेंगे और सब्जियों का रेट है वो बढ़ेंगे। और किसी पर आपने प्याज की बात की तो एक बार प्याज जो है वो अंदर अपना जलवा दिखाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भरत हमारे साथ जुड़ने के लिए और कुरुक्षेत्र के हालात बताने के लिए। हमारे साथ अनूप कुंडू जुड़े हैं हिसार से। अनूप, अगर हिसार की बात करें वहां पर सबसे पहले बताएं कि प्याज और प्याज समेत अन्य सब्जियों के रेट्स क्या चल रहे हैं और वहां पर लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, किस तरह के रिएक्शन आए? बात करें तो फिलहाल जो रेट है सब्जियों के हों चाहे हर तरह के रेट जो है आसमान छू रहे हैं। और लोगों से जो बातचीत हुई, लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से अच्छे दिन आने वाले थे शायद उन दिनों का लोगों को सिर्फ भरोसा ही दिया गया, अच्छे दिन नहीं आए। आज रसोई की तमाम चीजें जो है महंगी हो चुकी हैं, सब्जी के रेट हैं आसमान छू चुके हैं और लोगों को लग रहा है कि कहीं कहीं उनकी जेब पर डाका डाला जा रहा है। इतने महंगे रेट लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि आम मजदूर किसान जो लोग हैं वो इनको ऐसा लगता है कि शायद सब्जियां खाना उनके लिए एक सपना सा ना बन जाए। धीरे धीरे इस प्रकार के जो रेट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और अब तो अचानक से जो प्याज के रेट हैं चाहे सब और अन्य सब्जियों के रेट हैं वो तमाम रेट इतने बढ़ चुके हैं कि लोग सब्जियां खरीदने से पहले या वो दो दो चार चार बार सोचने लगे। बिल्कुल अनूप, जब प्याज में इस तरीके का उछाल आता है, जब रेट आसमान छूते हैं, तो याद आते हैं 98-99 के वो दिन जब कहा जाता था कि दिल्ली की सरकार गिर गई थी प्याज की कीमतों की वजह से। जी बिल्कुल, ऐसा ना हो कि वही इतिहास दोहराया जाए और प्याज के रेट दोबारा से फिर कहीं ना कहीं सरकार के गले की फांस ना बन जाए, क्योंकि ये इतिहास गवाह रहा है कि प्याज के रेट ने सरकारें गिराई हैं और सरकारें बदली हैं और उसी प्रकार से अब अचानक से प्याज का रेट फिर से एक बार आसमान छूने लगा है और सब्जियों के रेट भी इसी तरह से बड़े महंगे हो चुके हैं। तो ऐसा ना हो कि ये पब्लिक दोबारा से इसी प्रकार का कोई इतिहास दोहराने का काम करे और सरकार को इसके भारी परिणाम भुगतने पड़े। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश भर में प्याज समेत तमाम सब्जियों के रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं और महंगाई की मार आम जनता पर पड़ रही है, जिस वजह से लोग परेशान हैं और सरकार से लगातार कह रहे हैं कि सरकार चुनाव के अलावा जरा जनता की तरफ भी ध्यान दे ले और जिन्हें वोट डालना है, जिन्हें अपनी सरकार को चुनना है, अगर आप उन्हें ही खुश नहीं कर पाएंगे तो आपको आने वाले चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे में प्याज के रेट्स में, सब्जियों के रेट्स में जो भारी बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर कुछ ना कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।